नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी के इस सेशन में हम करेंगे ब्रेन। ब्रेन का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसके हम क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं, तो अब हम करेंगे ब्रेन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वो सेक्शन जो नेक्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेने की ज़रूरत है कि जो ब्रेन होता है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन है हमारी पूरी बॉडी का। हमने कल बात की थी कि 2% ऑफ आवर होल बॉडी सिस्टम जो ऑर्गन होता है वो ब्रेन कवर करता है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। मेमोरी, जजमेंट और इमोशन इससे जुड़े हुए होते हैं, और ये हमें समझ लेना होगा कि ये दो तरीके से काम करता है ब्रेन। एक इसमें काम करता है CNS और एक काम करता है PNS, जिसकी हमने कल बात की थी। लेकिन हम जिस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिस पे क्वेश्चन बेस करके आते हैं, वो है कि हमारे अंदर एक स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जब हम बाहर देखते हैं तो उस पे हम एक बिहेवियर करते हैं। इस स्टिमुलस से लेकर के बिहेवियर तक जो इंटरेक्शन होता है वो हमारे ब्रेन का रिजल्ट होता है। तो कल हमने ये सेक्शन किया था, यानी कि ये जितना भी ब्लू सेक्शन है हमने ये कवर किया था कल कि ये किस तरीके से काम करता है, उतना ही जितने की हमें ज़रूरत थी। तो ब्रेन के थ्रू ये कैसे अटैच होता है, आज हम करेंगे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो येलो वाला सेक्शन है आज हम ये करेंगे, यानी कि CNS करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जब हम सेरेब्रम को देखते हैं या सेरेबेलम को देखते हैं तो ये वो है जो कि आउटर सेक्शन है, एक्सटर्नल ब्रेन स्ट्रक्चर है। सेरेब्रम और सेरेबेलम, सेरेब्रम और सेरेबेलम को अगर समझना है तो हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा कि सेरेब्रम, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरेबेलम, ये तीन मुख्य हिस्से हैं हमारे ब्रेन के। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम जो है ये अपर मोस्ट सेक्शन में होता है, सेरेबेलम जिसे आप छोटा दिमाग या जो पीछे की साइड, बैक साइड ऑफ द ब्रेन होता है ये सेक्शन, और मेडुला ओब्लोंगाटा जो कि पोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो मेडुला ओब्लोंगाटा हेल्प्स रेगुलेट ब्रीदिंग। मेडुला ओब्लोंगाटा का क्या काम होता है? ब्रीदिंग, हार्ट, ब्लड वेसल फंक्शन, डाइजेशन, स्नीजिंग, स्वेलोइंग। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। और कैसे काम करता है ये? वॉलंटरली काम नहीं करता, ये इनवॉलंटरली काम करता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं सेरेब्रम क्या होता है। तो यहाँ पे सेरेब्रम को समझने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दिस इज लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम क्या होता है? ये सबसे लार्जेस्ट सेक्शन होता है ब्रेन का। तो जो आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसमें जो फिशर्स पड़े हुए होते हैं, यानी कि जो लाइनें होती हैं, वो सब इसी का हिस्सा होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड इज द लार्जेस्ट एंड द एरिया दैट प्रोसेसेस थॉट, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। तो हमारी कल्पना, भाषा, समस्या समाधान, स्मृति, जजमेंट और विचारों के लिए क्या जुड़ा हुआ है? सेरेब्रम मैटर करता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसको समझना जरूरी है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्चुअली जो ऊपर पूरा जो दिमाग होता है उसके ऊपर एक पूरा कॉर्टेक्स का मतलब होता है ढांचा, एक खाका। उस खाके के अंदर, उस ढांचे के अंदर पूरी एक पूरा ब्रेन होता है। तो जो सेरेब्रम होता है वो एक सुपरफिशियल लेयर होती है उसके ऊपर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसके वो ग्रे मैटर उसमें कवर करता है। सो दिस इज 2 to 4 mm थिक, कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। 2 to 4 mm थिक होता है जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स करते हैं, और इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं। आपको हमने कल बताया था दैट 100 to 120 billion, 100 to 120 billion, ये ब्रेन के पार्ट वन वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो 100 to 120 billion न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग में, वो सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। तो जो हमारे ब्रेन का जो खाका होता है उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हेन द ब्रेन साइज इंक्रीजेस रैपिडली द ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्टेक्स एनलार्जेस मच फास्टर देन डीपर वाइट मैटर, सो एज रिजल्ट ऑफ कॉर्टिजल रीजन रोल्स एंड फोल्ड्स अपॉन इट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये जो ब्रेन
साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, व्हाइट मैटर के मुकाबले में जो ग्रे मैटर होता है वो बढ़ जाता है और इस कॉर्टेक्स का साइज बढ़ता है। सो दे कम्युनिकेट वाया, अब यहाँ पे ध्यान रखना है इसके अंदर दो गैप्स होते हैं जिसे कि हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो ये जो आप जो दो हेमिस्फेयर्स देख रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है यही होता है जिसे कि कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। अभी हम इसको समझेंगे कि कॉर्पस कॉलोसम किस तरीके से काम करता है। इसी से हमारे ब्रेन के जो दोनों साइड के जो कॉर्टेक्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये कम्युनिकेशन कॉर्पस कॉलोसम द्वारा होता है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे ब्रेन के ऊपर जो फोल्ड्स होते हैं यानी जो मुड़ाव होते हैं उन्हें कहते हैं जायरी या कॉन्वल्जंस। डीपेस्ट ग्रूव्स बिटवीन फोल्ड्स आर कॉल्ड फिसर्स। अब जो इसके अंदर जो गहरे ये सेक्शंस होते हैं इन्हें कहते हैं फिसर्स। शैलोअर ग्रूव्स बिटवीन फोल्ड्स आर कॉल्ड सल्ची। तो जो अगर जो हमारे जो फोल्ड्स हैं उन फोल्ड्स में, इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक फोल्ड में दो प्रकार के फिसर्स हो सकते हैं, एक डीप हो सकता है या फिर शैलो हो सकता है। अगर शैलो है तो उसे कहेंगे सल्ची और अगर डीप है तो उसे कहेंगे फिशर के रूप में या उसे कहेंगे जायरी फिसर, ठीक है ना, कन्वल्जंस में। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट फिसर्स द लॉन्गिट्यूडनल फिसर सेपरेट्स द सेरेब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हैव कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जो गड्ढे बड़े होते हैं उन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अलग करते हैं, वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहलाते हैं। तो ईच हेमिस्फीयर हैज फोर लोब्स। इन दोनों हेमिस्फीयर में चार लोब्स होते हैं, फोर लोब्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेरेब्रम इज सब डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, बोथ हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद अ ब्रिज। तो जिस ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं, अगर हम इसको फिर से समझने की कोशिश करें तो ये जो यहाँ पे जो ब्रिज बनता है इसको कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं वेंट्रिकल्स पे। हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कितने वेंट्रिकल्स होते हैं याद रखिएगा, चार वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, चार वेंट्रिकल्स होते हैं। द वेंट्रिकुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू लेटरल वेंट्रिकल, कितने, दो लेटरल। ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है वेंट्रिकल्स, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो हमारे ब्रेन में दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो दो हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन में होते हैं, यानी कि दो तरफ हेमिस्फीयर में, ये हो गया वन और ये हो गया टू, तो दो वेंट्रिकल्स हो गए। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस के पास होता है, ये जो है ये होता है थर्ड वेंट्रिकल जो कि हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस के बीच में होता है। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इसके बीच में हो गया थर्ड वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम के बीच में होता है। तो अगर फोर्थ स्टेम को, फोर्थ वेंट्रिकल को आप देखें तो ये जो सेक्शन है ये है फोर्थ वेंट्रिकल जो कि सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, ये नीचे जा रही है, ये है ब्रेन स्टेम और ये जो है ये है सेरेबेलम। तो सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच में ये वेंट्रिकल होता है। तो बेसिकली ये उस तरीके की एक वेंट्रिकल, उस तरीके का एक कैविटी होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रेन निर्भर होता है, पूरा ब्रेन स्टैंड करता है। तो इस तरीके के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, टोटल चार वेंट्रिकल होते हैं। जो पहले दो होते हैं वो दोनों हेमिस्फेयर में होते हैं और जो तीसरा होता है वो बिल्कुल उसके बाद में ये होता है और जो चौथा होता है वो नीचे की तरफ ब्रेन स्टेम से जोड़ देता है ब्रेन को। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन, आगे आते हैं हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं। पहले इन दो हेमिस्फेयर को समझ लेना जरूरी है। ये देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम जो दो हेमिस्फेयर को जोड़ता है। अब दूसरी चीज समझते हैं, जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं वो अपने लेफ्ट हैंड से, ये देखिए आप, जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं वो अपने लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन से काम करते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं वो राइट साइड ऑफ ब्रेन से काम करते हैं।
तो अगर हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एनालिसिस बाय टच, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑडिटरी यानी सुनने वाला कॉर्टेक्स, स्पेशल विजुलाइजेशन और विजुअल कॉर्टेक्स इनकी बात करें, तो ये सभी काम करते हैं लेफ्ट हैंड वाले व्यक्ति के लिए राइट में और राइट हैंड वाले व्यक्ति के लिए लेफ्ट साइड में। तो जो अगर हम लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी और राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। एनाटॉमी ऑफ ब्रेन को अगर आपको समझना है तो इस पिक्चर में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ पाएगा। तो ये देखिए, ये है लेटरल सल्कस, देन फ्रंटल लोब, परसेंटेज जायरी, इसके बाद में सेंट्रल सल्कस, फिर उसके बाद में पोस्ट सेंट्रल जायरस, उसके बाद पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लंगाटा और पोन्स। ये मुख्य सेक्शंस हैं ब्रेन के। एनाटॉमी ऑफ ब्रेन में आपको समझना है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन है, जब हम बोलते हैं ब्रेन तो जो जनरल जो दिमाग में जो समझ बनती है वो बनती है हमारे सामने सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर सेक्शंस। कितने सेक्शंस में? फोर सेक्शन में। इन फोर सेक्शंस को कहते हैं लोब। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, अगर आपको अगर साधारण तरीके से अगर समझाया जाए तो हमारा जो ब्रेन होता है उसको आप देख सकते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रूप में। और इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के चार सेक्शन होते हैं, वन फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब और फोर्थ लोब। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें चार लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो इसमें क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है, पैरिटल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब होता है और टेम्पोरल लोब होता है। ये देखिए, ये है पैरिटल लोब, ये है ऑसिपिटल लोब, ये है टेम्पोरल लोब और ये है फ्रंटल लोब। तो ये चार लोब्स होते हैं, हैव बीन एसोसिएटेड विद डिफरेंट फंक्शंस और इनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम रीजनिंग टू ऑडिटरी परसेप्शन, यानी कि सभी प्रकार के इसके अंदर कार्य होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब की अगर बात करें तो फ्रंटल लोब क्या करता है, फ्रंटल लोब हमारे अंदर मोटर कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसकी अब हम बात करेंगे इसके बाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लोब्स ऑफ सेरेब्रम की, सेरेब्रम के अंदर जो लोब्स होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है फ्रंटल लोब, मोस्ट एंटीरियर पोर्शन, सबसे अंदर का हिस्सा होता है फ्रंटल लोब। इसमें सेरेब्रम अंडर फोरहेड होता है, इसमें सेंट्रल सल्कस होता है, इसके बाद सेपरेट फ्रंटल एंड पैरिटल लोब। अब ये जो सेंट्रल सल्कस होता है ये फ्रंटल और पैरिटल दोनों लोब्स को अलग करता है, ये मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है, पर्सनैलिटी को, स्पीच को कंट्रोल करता है। तो तीन चीज़ें याद रखेंगे, मोटर फंक्शन, पर्सनैलिटी और स्पीच, ये सभी इस सेक्शन से आती है, यानी कि फ्रंटल लोब से आती है। लाइक सेंटर ऑफ रीजनिंग, प्लानिंग एंड सम पार्ट ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इमोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रंटल लोब, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम में आता है, इमोशन के लिए काम में आता है, मूवमेंट के लिए काम में आता है और इसके अलावा प्लानिंग और रीजनिंग के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, उस प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, फ्रंटल लोब में होती हैं। इसीलिए इसको हमारे दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। मोटर कॉर्टेक्स यानी कि जहाँ से हम अपनी गत्यात्मक गतिविधियाँ करते हैं, कोई एक स्टिमुलस देखते हैं और उसके ऊपर हम जो रिएक्शन करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है फ्रंटल लोब का। जो चीज़ें हम देखते हैं, किसी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं, तो वो हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है, जिसकी अब हम बात करेंगे पैरिटल लोब की। तो नेक्स्ट आता है पैरिटल लोब, और पैरिटल लोब जो होता है वो मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम है। मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम मतलब कि सबसे ऊपर होता है, सिंपल भाषा में याद रखें, सबसे ऊपर होता है। अब ये क्या करता है, एक तो रिसीव यानी प्राप्त करता है, दूसरा इंटरप्रेट करता है नर्व्स इंपल्स को, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली जो भी हमने बाहर जो स्टिमुलस मौजूद हैं आउटसाइड, उस स्टिमुलस को, कोई भी अगर स्टिमुलस बाहर मौजूद है, उस स्टिमुलस को देख करके उसे रिसीव करने का काम और उसे कहाँ तक, ब्रेन तक पहुँचाने का काम, ये किसका काम होता है, ये होता है पैरिटल लोब का। और इसीलिए ये सेंसरी रिसेप्टर्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज, तो
अब आपको अगर मैं ये कहूं, जो कि हम अक्सर हाँ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या आप बिना भाषा के सोच सकते हैं, तो ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज होता है ये पैरिटल लोब का काम होता है। तो रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम स्किन, स्किन से भी यानी टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन, ये सब महसूस करने का काम होता है पैरिटल लोब का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सेंसरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले वाला किया था तो वहाँ मोटर कॉर्टेक्स था, इसे कहते हैं क्योंकि इसमें सेंसेस होती हैं, इसलिए इसे सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। लेकिन ये सेंसरी कॉर्टेक्स मुख्य रूप से स्किन से जुड़ा हुआ होता है और लैंग्वेज को इंटरप्रिटेशन करने के लिए होता है, क्योंकि अगर हम देखने की बात करें तो देखना इससे शामिल नहीं है। तो जब हम देखने की बात करते हैं तो किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसमें लोब्स ऑफ सेरेब्रम में ऑसिपिटल लोब आता है। तो हमने बात की पैरेटल लोब की, और फ्रंटल लोब की और ऑसिपिटल लोब की। तो ऑसिपिटल लोब में ये मोस्ट पोस्टीरियर होता है, जैसे हमने बोला सबसे आगे होता है फ्रंटल, सबसे पीछे होता है ऑसिपिटल यानी पोस्टीरियर। अब सबसे ऊपर जो होता है वो होता है पैरेटल लोब, और इसके आगे देखिए सेरेब्रम बैक ऑफ द हेड होता है। कहाँ पे होता है? बैक ऑफ द हेड। और रिसीव्स इनपुट फ्रॉम आईज एंड कंट्रोल विजन, तो आँखों से और विजन को कंट्रोल करने से ऑसिपिटल लोब जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसे कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। यह हमारे कॉर्टेक्स का वो हिस्सा होता है जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और लोब्स ऑफ सेरेब्रम में नेक्स्ट आता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी कि जो सुनता है। तो जो हम साधारण भाषा में बोलते हैं टेम्पल, टेम्पल, टेम्पल का मतलब होता है हमारे कान के ऊपर जो कनपट्टी होती है, उसी से जुड़ा हुआ है टेम्पोरल लोब। तो लेफ्ट एंड राइट लैटरल पोर्शन ऑफ सेरेब्रम आर कॉल्ड, जो जहाँ पे ईयर के ऊपर यानी कान के ऊपर होता है, तो ये हियरिंग और स्मेल को कंट्रोल करता है। तो बड़े सीधा तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि भाई हियरिंग को कौन कंट्रोल कर सकता है, स्मेल को कौन कंट्रोल कर सकता है, और इसके आधार पे आप लोब्स के आंसर देते हैं। तो अगर हम इसको समअप करें, समराइज करें, तो फ्रंटल लोब जो है उसका काम होता है मोटर फंक्शन, तो इसे मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज, जजमेंट सारी चीज़ें होती हैं। पैरेटल लोब की अगर बात करें तो ये इंटीग्रेट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, खास करके स्किन से आने वाली को। ऑसिपिटल लोब की बात करें तो विजुअल एंड स्पेशल प्रोसेसिंग होती है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन। और टेम्पोरल की बात करें तो ये हियरिंग से जुड़ा हुआ होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर इनपुट करता है। अब इसके बाद सेरेब्रम को एक लाइन में समझ लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। और ब्रेन स्टेम की बात करें तो वो ब्रीदिंग, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस और बैलेंस का काम करते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद अब क्योंकि इसमें कुछ एक सेक्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आज जो हम काम करेंगे उसमें केवल हम सेरेब्रम तक काम करेंगे। तो देखते हैं सेरेब्रम का क्या काम होता है। जहां तक हम बात करते हैं सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम इज सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। व्हाट इज लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन एंड व्हाट इज सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, इस पे क्वेश्चन आता है। तो हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट हिस्सा है सेरेब्रम। इट इज लोकेटेड बैक साइड ऑफ द हेड। ये हमारे पीछे वाली साइड में, दिमाग के पीछे वाली साइड में मौजूद होता है, जिसे छोटा दिमाग भी आप कह सकते हैं। लोकेटेड बिनीथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम। तो जो पिछला हिस्सा होता है सेरेब्रम का, उसके नीचे की साइड ये मौजूद होता है, एक डीप ग्रूव नोन एज ट्रांसवर्स फीजर। ये एक बड़ा ही गहरा सा एक क्षेत्र होता है जिसे ट्रांसवर्स फिशर कहते हैं, सेपरेट सेरेब्रम टू सेरेबेलम, जो कि सेरेब्रम से सेरेबेलम को सेपरेट करता है। इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये जो सेरेबेलम का हिस्सा देख रहे हैं, इसके ठीक पास में होता है पोन्स, ये है ब्रेन स्टेम। अब ये सेरेब्रम का जो पोस्टीरियर हिस्सा है, इसके अंदर बंद की तरीके से होता है, और इसे जो सेपरेट करता है ये हो गया ट्रांसवर्स फिशर। ठीक है जी। तो सेरेब्रम जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट सेक्शन होता है। हमने आज बात की चार लोब्स की, इसके बाद बात की सेरेब्रम की, मेडुला ओब्लंगाटा की। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टुमारो 5 PM लाइव सेशन होगा आपका ब्रेन के क्वेश्चन आंसर को लेकर के। थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट सेक्शन में बताएं
कि आपको ये समझ में आया, कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। थैंक यू।